मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए, जाने गई, कई सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, ये लोकतंत्र है क्या? पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर लगाई जाती है, प्रचार माध्यमों को मजबूर किया जाता है कि पत्रकारों को निकाल दो क्योंकि वो दीदी के खिलाफ लीड रहे हैं, होमगार्ड को एक पार्टी की सेना बनाकर रख दिया। ये बंगाल को लोकतंत्र की दिशा में ले जाने की दिशा में बंगाल की जनता को पूछने आया। और ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, ममता दीदी, हिंसा का कीचड़ जितना फैलाओगी भाजपा का कमल इतना ही प्रदीप्त होकर। हम हिंसा से डरने वाले लोग नहीं है, बलिदान का मेरी पार्टी का इतिहास है। मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की भूमि पर बलिदान दिया है, संस्कार हमें दिया है। आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती, बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। यही बंगाल है जो एक समय पूरे देश को रास्ता दिखाता था, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, समाज सुधार की बात हो, धार्मिक आंदोलन हो, देश को आजाद करने की लड़ाई लड़नी हो, देश के कानून को व्यवस्थित करने की लड़ाई लड़नी हो, हर क्षेत्र के अंदर बंगाल देश का नेतृत्व करता था। एक जमाने में कहा जाता था, बंगाल जो आज सोचता है देश 50 साल बाद वो सोचता है। आज बंगाल को क्या होगा, जिस बंगाल से आजादी के नारों का सूत्रपात होता था, जहां वंदे मातरम की रचना, जहां जनगण मन लिखा गया, वो आज बंगाल को क्या होगा, जहां शांति निकेतन का अस्तित्व है, एक नए प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद का एक हिंदू धर्म के पुनरोद्धार का आंदोलन चला, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जो बंगाल को सोनार बांग्ला कहते थे, वो बंगाल को आज क्या हो गया है? जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, गूंज सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों से दहल कर रह गया है, गोलियों की आवाज लोगों की चीखों से, हत्याओं से सुन्न रह गया है, कौमी दंगों से इसकी आत्मा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वधर्म संभाव के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बंगाल का दिया जाता था, वो बंगाल को तुष्टिकरण की ओछी राजनीति कर किसी एक समुदाय के लिए ही प्रायोरिटी देने का काम आज बंगाल के अंदर हो रहा है। सोनार बांग्ला के जगह कम्युनिस्ट पार्टी पहले ढाई दशक तक और अब एक दशक तक तृणमूल कांग्रेस बंगाल को गरीबी की दिशा में ढकेलने का काम कर दिया है। भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, सत्ता, स्वार्थ, सिंडिकेट, संपत्ति, ये चार एस के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाई, इस प्रकार का शासन किया है। मित्रों, मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि क्या राजनीतिक हिंसा कभी बंगाल का आभूषण बन सकता है क्या? राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात, अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? रोड लोगे, रोड लोग रोक देंगे, हेलीकॉप्टर रोक देंगे, ममता जी आप परिवर्तन को नहीं रोक सकते।